हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ DIY नेम प्लेट। तो ये मेरा पुराना नेम प्लेट था जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये भी मैंने खुद ही बनाया था। तो इसके जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो सब मैंने निकाल दिए हैं और अब मैं सैंड पेपर की हेल्प से इसको थोड़ा स्मूदन आउट कर रही हूँ, बिकॉज़ ये प्लाई टाइप का वुड है, मतलब प्लाई वुड है ये। सो यहाँ पर मैंने बेस कलर सेलेक्ट किया है डार्क ब्लू। तो अभी मैं एक कोट कर रही हूँ जिसमें मैं बिल्कुल रैंडमली ब्रश स्ट्रोक्स मार रही हूँ, इसमें मैं कुछ बहुत ध्यान नहीं दे रही हूँ, रफली फटाफट चला रही हूँ, बिकॉज मैं कम से कम 2 से 3 कोट करने वाली हूँ। मुझे एकदम डार्किश ब्लैकिश ब्लू कलर चाहिए, मैं ब्लैक कलर नहीं कर रही हूँ, डार्क ब्लू कर रही हूँ। सो यस, इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। एंड यहाँ पर जो मैं कलर्स सारे यूज़ कर रही हूँ, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ, मोस्टली मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, तो उन सब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अमेजन से मैंने सब मंगवाया है, तो आप चेक कर लीजिएगा इफ इन एनी केस आपको इस तरह का नेम प्लेट घर पर बनाना है। आप कोई सा भी पुराना वुड का कोई टुकड़ा, अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड है या ऐसा कुछ है, आप उसके ऊपर ऐसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही क्रिएटिव सा नेम प्लेट बनेगा ये। सो यस, यहाँ पर हमने सेकंड कोट लगा दिया है। अब जहाँ जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि यहाँ पर कलर की ज़रूरत है, वहाँ पर मैं थर्ड कोट लगाऊंगी। एंड जब हम पूरा ये बना देंगे तब भी इसमें फिनिशिंग देने के लिए हमको एक फोर्थ कोट लगेगा। तो टोटल 3 से 4 कोट इसमें लगेंगे। अब हम ये फेविक्रिल का मोल्डेट लेने वाले हैं। सो ये बेसिकली क्ले होता है जो कि ड्राई होने के बाद बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के 2 पाउचेज आते हैं, 2 सेक्शंस दिए हुए हैं, आपको इन दोनों को लेना होता है एंड इसको मिक्स करना होता है। तो एक का जो कलर होता है वो हल्का सा ऐसे ग्रेइश टाइप का होता है, मतलब सीमेंट के कलर का होता है, और एक जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आटा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टैल्कम पाउडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आप बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास वो दोनों ही चीज़ें नहीं थी, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस नॉर्मल जो वीट का फ्लोर होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, सो दैट ये चिपके ना। और यहाँ पर मैंने एक शीट बिछा करके रखी हुई है, बिकॉज आप वुड वगैरह पे करेंगे तो इट माइट पॉसिबल कि आपका जो टेबल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो यहाँ पर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको तब तक मिक्स करूँगी जब तक ये पूरा एक कलर में कन्वर्ट ना हो जाए। अभी आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग से दिख रहा है कि एक ग्रे कलर है और एक क्रीमिश कलर है, तो हम इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये पूरी तरह से ऑफ वाइट क्रीम कलर में कन्वर्ट ना हो जाए। अब हम एक छोटा सा सेक्शन लेंगे और जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी के छोटे छोटे से हम बॉल्स बनाते हैं, वैसे हमको बनाना है। एंड इसके ऊपर मैंने एक हल्का सा जो पॉलीथिन है वो लगा दिया है। आप चाहें तो ऑयलिंग कर सकते हैं पॉलीथिन में या नीचे, ताकि बस हमारा मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि ये नीचे स्टिक ना हो जाए। तो यहाँ पर हम जैसे रोटी को बेलते हैं वैसे हमको इसको बेलना होता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से निकल गया है ईजिली, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करती ना तो ये प्रॉपरली चिपक जाता नीचे एंड फिर वो कुछ भी हो नहीं पाता। तो इस तरह से हमने रोटी की तरह उसको बेल दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सर्कल शेप में इसको करें, क्योंकि एट दी एंड हमको इसको कट करना है अलग अलग शेप्स में। तो यहाँ पर मैंने इसके एक टूल्स आते हैं क्ले के, एक्चुअली टूल्स आते हैं, बट वो टूल्स मेरे पास नहीं है और ना ही मैंने ख़रीदा उनको ज़रूरी समझा। तो मेरे पास जो कटर्स वगैरह थे ऐसे ही, वो सारी चीज़ें ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो पेपर कटर होता है और थर्माकोल कटर होता है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो जिस शेप में मुझे कट करना है उस शेप में मैं कट कर रही हूँ। पहले मैं इससे कटर से कट कर रही थी, बट आई फाउंड समथिंग बेटर। तो आप क्या कर सकते हैं, जो क्रेडिट कार्ड होता है पुराना, कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो होता है आपके पास पुराना सा पड़ा हुआ होगा, आप वो लेंगे और उससे स्ट्रेट अवे कट करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से कट होगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह का एक पॉइंटेड वाली चीज़ ले ली है, तो ये देखिए इससे कितने अच्छे से कट हो जाएगा। तो सेम चीज़ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो पुराने कार्ड्स होते हैं उससे आप कट कर सकते हैं, उससे भी ऐसे ही कट होगा। तो यहाँ पर मैं जिस शेप में मुझे ये चाहिए था उस शेप में मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं एक हर्ट के शेप में इसको कट कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा फेविकॉल मुझसे गलती से गिर गया है, इतना लगाना नहीं होता है। बिल्कुल हल्का सा भी आप फेविकॉल लगाएंगे ना तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब मैं हट के शेप का ऊपर से लोई बना करके ऐसे स्टिक करना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, आपको सिर्फ उसको गोला बनाना होता है, रोटी की तरह चपाती की तरह आपको उसको बेलना होता है, एंड देन अलग अलग शेप्स में आप कट करते जाइए। सो दिस इज़ वेरी ईजी। अब मैं यहाँ पर डोर बना रही हूँ, विंडोज़ बनाऊँगी, एंड जिस भी शेप में मुझे जो जो चीज़ें बनानी है वो मैं इसमें बना करके चिपकाती जाऊँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लगा करके भी इसको स्टिक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप फेविकॉल से ही करें। और ये मैं ऐसे अलग अलग शेप्स दे रही हूँ इसको।
नाउ आई एम फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, बस उसी तरीके से रोटी की तरह मैं उसको बेलती जा रही हूँ एंड कट करती जा रही हूँ जिस जिस भी शेप में मुझे चाहिए और जितने भी मुझे चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पर प्रॉपरली जो घर होते हैं वो बना रही हूँ, बिकॉज ये एक नेम प्लेट है और हम लोग शो करने वाले हैं कि ये हमारा घर है, तो बस ऐसे क्यूट सा कुछ मुझे चाहिए था। और अभी मैं यहाँ पर एक ट्री बना रही हूँ, तो मैं ट्री के शेप में जो नीचे का होता है उसका उस शेप में इसको कट कर रही हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने क्या किया है, नॉर्मल रैंडमली शेप्स लिए हैं और उसको हाथ से ही प्रेस कर करके मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, लीव्स बना रही हूँ। मतलब ट्री के जो ऊपर का होता है लीव्स वाला सेक्शन मैं वो बना रही हूँ बहुत ही रैंडमली। तो अभी आप देखिएगा ये जब पूरा हो जाएगा तब ये एग्जैक्टली ट्री लगेगा। तो मैं कितना रफली काम कर रही हूँ और इतनी फटाफट कर रही हूँ कि बस मतलब कोई शेप वेप का मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, बस मैं इस जगह को फिल इन कर रही हूँ, दैट्स इट। इसको ड्राई होने देना है आपको सिर्फ 1 आवर के लिए एंड देन फिर हम कलर स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सारे एक्रेलिक कलर्स एंड चॉक पेंट ही यूज़ किया है। यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर भी मैं प्रॉपरली अभी आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो ब्लू कलर है ना वो इतने अच्छे से फिनिशिंग नहीं है। तो जब हम ये कलर्स कर लेंगे इसके बाद हम एक और कोट लास्ट कोट करेंगे ब्लू कलर का टू प्रॉपरली गिव इट अ टच अप, ताकि ये जो कॉर्नर्स हैं ये पतले ब्रश से 0 पॉइंट वाला जो ब्रश होता है उससे हम यूज़ करेंगे एंड इसको टचअप करेंगे प्रॉपरली। जो जो फिनिशिंग टचेस होंगे वो सब मैं एंड में करूंगी। और जो हम लोगों का नाम है उस पर मैंने यहाँ पर वाइट कलर के ब्रश से यूज़ किया है, बिकॉज इस डार्क ब्लू के ऊपर ये वाइट बहुत ही ब्यूटीफुली पॉप कर रहा है। एंड अब जो हम लोगों ने मोल्डेड लगाया था वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया था एंड अब उसके ऊपर मैं कलर्स यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्रेलिक एंड चॉक कलर्स अलग अलग तरीके से मिक्स करके कर रही हूँ। ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं एकदम एंड में फिनिशिंग टचेस दे रही हूँ। जहाँ जहाँ पर भी कलर्स थोड़ा फैला हुआ है उसको मैं प्रेसाइजली थोड़ा फिनिश करूँगी, दैट्स इट। एंड ये हमारा जो नेम प्लेट है ये ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा बहुत और इसमें क्रिएटिविटी शो करी है क्योंकि थोड़ा खाली खाली लग रहा था मुझे एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है, रियली लव्ड इट। अगर आप इसको ट्राई करते हैं या रिक्रिएट करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। टिल देन, बाय।